देश में और खास करके जब बिहार में जाति आधारित गणना की बातें हो रही थी तो बिहार के एक सांसद जिनका नाम राजीव प्रताप रूड़ी है वो बड़ी स्तर पर व्यापक स्तर पर इसका विरोध कर रहे थे। कह रहे थे कि वैनमनस्ता फैल जाएगा, जातीय भेदभाव बढ़ जाएगा, अगर जाति आधारित गणना होगा तो जो ऊंची जाति के लोग हैं या जो निचले जाति के लोग हैं ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे, जिसकी संख्या ज़्यादा आएगी वो लोग लड़ने लगेंगे। इसकी लड़ाई ये राष्ट्रीय जनता दल खूब पुरजोर तरीके से लड़ रहा था और आप सभी ने देखा होगा कि नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, बाकायदा हम कहें तो बिहार के एक एक पार्टी दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का काम किया और उसके बाद में बिहार में जाति आधारित गणना लागू हुआ। हमारे साथ में प्रदीप राय जी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं और छपरा के जो पूर्व सांसद लालबाबू राय हैं उनके बेटे हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर में जाति आधारित गणना का क्या इफेक्ट पड़ेगा। छपरा में जो कहते हैं लोग कि राजीव प्रताप रूड़ी किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो हाथ धोते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि जाति आधारित गणना का आप लोग शुरू से सपोर्ट किए और राजीव प्रताप रूड़ी शुरू से विरोध किए, आपको क्या लगता है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जातीय जनगणना का जो मुख्य मकसद था कि जातीय जनगणना देश भर में कराना या बिहार में कराना, कि जो समाज में जो अन तबका है, हर जातियां हैं, उसका प्रतिनिधित्व कैसे सत्ता और शासन में मिलेगा। और जातीय जनगणना का विरोध जो किए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी और भाजपा तो बजाबते कोर्ट में सॉलिसिटर को खड़ा किया इसके खिलाफ में, और राष्ट्रीय जनता दल का बहुत पुराना मुद्दा था हम लोगों का और लगातार हम लोग 20 बरस से लड़ाई लड़ते रहे हैं लालू जी के नेतृत्व में। गांधी मैदान में धरना दिया देश में और कई बार हम लोग दिल्ली में हम लोग लड़ाई लड़ते रहे इसका, कई बार हम लोग गिरफ्तारी भी दिए इसमें प्रांत पुलिस थाना में, क्योंकि हम युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव थे, दिल्ली के प्रभारी थे, उस समय भी हम लोग जंतर मंतर पर कई बार धरना इसके लिए दिए थे। फिर तेजस्वी जिस मुद्दे को लेकर के आंदोलन रत हुए और सारा लोग मिल करके सारा दल को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन चूंकि भाजपा जो है हमेशा से दलित पिछड़ा विरोधी रही है वो डिनाई कर गई, तो और राजीव प्रताप रूढ़ी जिस तरह से जातीय जनगणना का विरोध किए हैं इसका खामियाजा उनको इसी छपरा के सारण के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। और ये बुरी तरह जिस तरह से विरोध किए तो पूरे छपरा में जो अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सारी पिछड़ी जातियां, जितनी छोटी छोटी जातियां हैं, जादव, कुर्मी, कोयरी, कानू, धानुक, नोनिया, बिंद, मलाह और जो भी दलित हैं, रविदास, चौधरी लोग हैं, पासवान लोग हैं, सारे लोग पिछड़ा लोग गुलबंद हैं इनके खिलाफ में और ये बुरी तरह से वहाँ पराजित होने जा रहे हैं। अच्छा, वही एक हार रहे हैं या ये कहें तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो बरस में पूरे देश में जो लगभग 300-350 से ऊपर चुनाव हो चुका है अभी तक लोकसभा का, और भाजपा का हवा निकल गया है, पूरी तरह हवा निकल गया है। आप बेचैनी देख सकते हैं भाजपा के नेताओं में, जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की हताशा को आप महसूस कर सकते हैं, इनका हवा निकल चुका है और रोड शो करना पड़ चुके हैं। रोड शो आप देखिए, छपरा में प्रधानमंत्री जी का हुआ रोड, पटना में रोड शो करना पड़ा, छपरा में गए, किस मुंह से गए छपरा? इसी छपरा में पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो मढ़ौरा का चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे, और देखिए प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद पर होने के बावजूद एक छोटा सा चीनी मिल भी खुलवाने में सफल नहीं हुए और किस तरह गए इनको, मतलब ये सोचने वाले विषय है। क्या उनको लग गया कि छपरा वाला सीट हम हार रहे हैं इसीलिए जाकर के वहाँ रोड शो करना? हारना तो है ही, हारना तो है ही, जिस तरह से वादा खिलाफी किया इन लोगों ने और जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जो कार्यकाल रहा पिछला, उसमें एक कुछ भी दिखाने लायक नहीं है उनको, कोई भी चीज़ वो दिखाने के लिए छपरा में वो सक्षम नहीं है। अच्छा, एक बात कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूड़ी जब आते हैं क्षेत्र में तो खास तौर पे वो अमनौर जाते हैं, जो स्वर्ण इलाका है वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी के गांव में ना विकास करते हैं ना बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों से जाकर के मिलते हैं। ये देखिए, ये तो सामंती सोच के है ना, जिस तरह से जातीय जनगणना का थ्रू आउट शुरू से ही डे वन से विरोध किया, तो उनकी जो सामंती सोच है जिसमें पिछड़ों, दलितों को और जो गरीब तबका है उसको ऊपर नहीं उठने देने का जो सोच है, ये सोच है और इसका इनको करारा जवाब इस बार मिलेगा छपरा में। अच्छा, दलित समाज का वोट किसके साथ है? दलित समाज में मांझी जाति के जो लोग हैं वो जितना मांझी है, पूरी गोलबंदी छपरा में जो है, लालू यादव कहते हैं
कि वोट का राज यानी छोट का राज, तो इसी फार्मूला पर पूरी गोलबंदी है पिछड़ों दलितों अति पिछड़ों की, और पूरा गोलबंद होकर के भाजपा चूंकि हमेशा से दलित विरोधी पिछड़ा विरोधी रही है, देश भर में जो सरकारी संस्थाएं सबको बेच करके और बहुत ही चलाकी से जो पिछड़ों दलितों का आरक्षण उसको ख़त्म कर रही है, और बिहार की देश की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गया है पिछड़ा दलित पिछड़ा, और पूरी तरह से गोलबंद होकर के इस बार ये लोग देश भर में सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम किए हैं, वादा खिलाफी किए हैं, जो वादा किए थे वादा पूरा नहीं किए, हाल ही में देखिएगा तो मोतिहारी के चीनी मिल के बारे में पहले कहे थे कि मोतिहारी के में जब आएंगे अगला बार लोकसभा के चुनाव में 2019 में तो हम चीनी का चाय पियेंगे, 19 में भी आए, 19 में उनके जो प्रत्याशी राधामोहन सिंह वो जीते, 2024 में फिर गए हैं मोतिहारी जाकर के, अभी झूठ बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से मढ़ौरा में जब गए तो मढ़ौरा में जाकर के बोले थे कि मढ़ौरा के चीनी मिल को चालू करेंगे और उसी के चीनी से, उसी से जो चीनी बनेगा उस चीनी से चाय पियेंगे। बाकी अब देखना है कि क्या कुछ होता है। उनको ऐसा लग रहा है कि मढ़ौरा हो या कोई भी जगह हो, कोई भी विधानसभा हो, हर विधानसभा में उनके जो प्रत्याशी है उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वो रोड शो कर रहे हैं। वो जाति आधारित गणना के शुरू से डेवन से विरोधी रहे हैं, ये लोग डेवन से सपोर्टर रहे हैं। अब देखना है कि क्या जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, वे लोग किसके साथ जाते हैं। वहीं लोग खेला बदल सकते हैं। अगर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, दलित समाज के लोग अगर भाजपा में थोड़ा सा भी पोल कर देते हैं, थोड़ा सा भी वोट दे देते हैं, तो आसानी से राजीव प्रताप रूड़ी जीत जाते हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित समाज के लोग अगर राष्ट्रीय जनता दल यानी रोहिणी आचार्य को वोट करते हैं तो रोहिणी आचार्य जीत सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।